हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। स्वास्थ्य सुविधाओं की लगातार परेशानियों को देखते हुए जिला अधिकारी आशीष चौहान की पहल पर लंबे अरसे से बंद पड़े बेस हॉस्पिटल में जिला चिकित्सालय की एक्सटेंशन यूनिट की शुरुआत हो गई है। जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि जिला अस्पताल में कम बेड होने के कारण हर रोज मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए जिला अस्पताल के एक्सटेंशन के रूप में अस्थायी तौर पर बेस अस्पताल के भवन में 101 बेड की व्यवस्था बनाई गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जिला अस्पताल की क्षमता 120 बेड की थी। बेस अस्पताल में 101 बेड अतिरिक्त होने की व्यवस्था के बाद अब जिला अस्पताल की क्षमता करीब दोगुनी हो गई है। इससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। वहीं अस्पताल में मरीजों का अत्यधिक दबाव होने के कारण जिला अस्पताल के एक्सटेंशन यूनिट के तौर पर अब बेस अस्पताल भवन में ओपीडी शुरू हो गई है। बेस हॉस्पिटल की बिल्डिंग हमारी कंप्लीटेड पड़ी थी और काफ़ी लंबे समय से इसमें स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ और सब था, और एट द वेरी सेम टाइम हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये इश्यूज़ हैं कि वहाँ बहुत बेड्स का नंबर कम रहता है और कई बार हमें गैलरी में या बाहर लोगों को सुलाना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है। तो उसके चलते हम लोगों ने निर्णय लिया था, जिसमें सचिव महोदय के द्वारा मुझे निर्देशित भी किया और उन्होंने सैद्धांतिक सहमति दे रखी कि इसे हम टेम्प्रेरी बेसिस पे एक हॉस्पिटल के तौर पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एक्सटेंशन के तौर पे काम में ले रहे हैं, ताकि यहाँ हमारे बेड का नंबर बढ़ जाए और कुछ ओपीडी फैसिलिटीज यहाँ पे चल पाए। इस हमारे पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें काफ़ी लोड है और जिसके कारण वहाँ मरीजों को परेशानियाँ होती हैं, इसलिए हमने इस आज बेस हॉस्पिटल में ओपीडी अन्य पर 101 बेड का अभी संचालित किया है। और जो मुख्य पद के यहाँ पर नियुक्ति होंगी वो उसकी प्रक्रिया शासन में जारी है, उसका प्रक्रिया चल रही है और तब तक हम ताकि हमारे मरीजों को जो बेस हॉस्पिटल या महिला हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काफ़ी परेशानियां होती हैं और वहां डॉक्टर्स के ऊपर काफ़ी लोड रहता है, उनको वो सुविधाएँ नहीं मिल पाती, इसलिए हमने इसको संचालित करने के लिए एक्ट के रूप में संचालित करना शुरू किया है और जिससे यहाँ के पिथौरागढ़ के स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।